शालोम, यीशु हमारा बादशाह है जिसमें हम बचाए जाते हैं। हमें अपने बादशाह पर ईमान रखना है और उसकी ताबे प्रमाणी करनी है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु की अंजील के 21वें बाब में सबसे पहले यीशु का गदी के बच्चे पर यरूशलेम में शाहाना दाखला मिलता है। फिर इसमें लोगों का यीशु को बादशाह के तौर पर कबूल करना और होशाना के नारे लगाना मौजूद है। इसके बाद यीशु हैकल की तकदीस करते हैं और हैकल के सहन में खरीदारी के सामान को उल्ट देते हैं। फिर यीशु रात बैतनिय्याह में गुजारते हैं और सुबह को जल्दी घर से निकल आते हैं और रास्ते में उन्हें भूख लगती है और अंजीर के दरख्त में अंजीर न पाकर उसे सूख जाने का हुक्म करते हैं। इसके बाद शागिर्द इस वाक्य के बारे में दरियाफ्त करते हैं तो यीशु उन्हें ईमान के बारे में बताते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, अगर ईमान रखोगे तो पहाड़ से भी कहोगे तो वो भी समंदर में गर्क हो जाएगा। फिर यीशु हैकल ही में दोबारा शिफा के मौजज़ात दिखाते हैं तो सरदार काहिन और बड़े बुजुर्ग यीशु से इस अख्तियार के बारे में पूछते हैं, लेकिन यीशु उनसे ही एक सवाल कर देते हैं जिसका जवाब उनके पास नहीं होता। इस पर यीशु भी उन्हें जवाब नहीं देते और उन्हें दो बेटों की तमसील सुनाते हैं जिसमें बाप एक ही काम अपने दो बेटों को कहता है पर पहला बेटा इनकार कर देता है पर बाद में पछता कर उस काम को कर देता है, लेकिन दूसरा बेटा काम के लिए हाँ तो करता है पर करता नहीं। फिर यीशु एक बाग लगाने वाले की तमसील सुनाते हैं जिसमें मालिक बाग लगाकर उस बाग को बागबानों के हवाले कर देता है। जब फल का वक्त आता है तो मालिक अपने नौकरों को भेजता है कि बागबानों से हिसाब लेकर आए, तो बागबान उनमें से बाज को पीटते हैं, कुछ को मार देते हैं और कुछ पर पथराव करते हैं। फिर मालिक दोबारा अपने नौकरों को भेजता है तो बाग के रखवाले दोबारा ऐसा ही करते हैं। फिर मालिक अपने बेटे को भेजता है तो रखवाले उसे बाग हथियाने के लालच में मार देते हैं। अजीजो, जब यीशु यरूशलेम में गदी के बच्चे पर बैठकर दाखिल होते हैं तो लोग उन्हें अपना बादशाह तस्लीम करते हैं, वो बड़ी खुशी और फतेहयाबी का मुजाहरा करते हैं। हालांकि यीशु ना तो घोड़े पर दाखिल होते हैं और ना उनके हाथ में कोई तलवार होती है, बल्कि वो तो इसके उल्ट अमन का पैगाम लेकर दाखिल हो रहे होते हैं। शायद लोगों को अहदनामा अतीक की पेशगोइयों का इल्म था या उस वक्त ही इल्म हुआ। बहर कैफ, जैसे भी उनको इल्म हुआ, वो यीशु को बादशाह तस्लीम कर चुके थे और यीशु भी उनके इस इकरार पर उन्हें मना नहीं फरमाते। असल में लोग अपने हुक्मरानों से तंग थे और अपने असली बादशाह के इंतज़ार में थे जो उनको इस जुल्मत से छुटकारा दिलाए, और यीशु को वो ऐसा ही हुक्मरान समझ रहे थे, इसीलिए होशाना के नारे लगाने लगे थे जिसका मतलब है कि खुदावंद हमें बचा, मालिक हमें बचा, ऐ बादशाह हमें बचा। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू। होशाना के नारे में दो किस्म के अंदाज या कैफियत थी, एक दर्द की और दूसरी खुशी की। असल में यीशु एक बड़े के रूप में दाखिल हुए थे क्योंकि ये वाक्या ईद फसा के तकरीबन 5 दिन पहले का है जब कुर्बानी के बरों को सरदार काहिनों के सामने पेश किया जाता था। इसलिए यीशु लोगों के लिए तो बादशाह बनकर दाखिल हुए, लेकिन हकीकत में वो एक बड़े के रूप में आए जो फील हकीकत लोगों को बचाने ही आया था। इस बाब के शुरू में इस शाहाना दाखले का मजमून ही असल में 21वें बाब का हासिल है। फिर यीशु बैतनिय्याह में रात गुजार कर सुबह को अंजीर के दरख्त में फल तलाश करते हैं और नहीं पाते तो इसका सूख जाने का हुक्म करते हैं। यह इशारा यीशु की बादशाही के इंसाफ का है जिसमें यीशु बादशाह के तौर पर इंसाफ करेंगे, और जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और अपने अंदर फल नहीं रखते उनका हाल इसी अंजीर के दरख्त की तरह ही होगा, क्योंकि खुदावंद की तरफ से हर फर्द को मुकर्रर वक्त पर फल देना है, जो फल नहीं लाते वो हमेशा के लिए सूख जाएंगे। फिर इसी सिलसिले में यीशु हैकल की तकदीस करते हैं क्योंकि वहाँ खुदा की सच्चे दिल से इबादत की बजाय खरीदारी अरूज पर थी। यीशु याद दिलाते हैं कि खुदा का घर
तमाम कौमों के लिए इबादत के लिए है। लिहाजा यीशु अमली तौर पर खुदा की इबादत को जारी करते हैं और खुदा की इबादत में जो रुकावटें थीं उनको दूर करते हैं। इसके बाद यीशु दो बेटों की तमसील में भी यही बात समझाते हैं कि तमाम दुनिया की कौमें उसी खुदाए वाहिद की पैदा करदा हैं। वो कौमें जिन्होंने पहले पहल खुदा को अपने बाप के तौर पर नहीं पहचाना लेकिन बाद में पछताए और तौबा कर ली और खुदा की फरमाबरदारी की, ये बेटा या ये कौमें उस बेटे या उस कौम से बेहतर है जो खुदा को बाप के तौर पर जानती व पहचानती हैं पर उसकी फरमाबरदारी नहीं करती। लिहाजा आज हमें भी सोचना है कि हम इस तमसील में बयान करदा बेटों में से किस बेटे की मानत है। ईमानदारी से सोचिएगा, इस बाब के आखिर में वही वाक्या तमसीलन बयान किया गया है जो इस बाब के शुरू में फिल हकीकत वाक्या हुआ। मालिक ने नौकरों को फल लाने के लिए भेजने के बाद जब देखा कि कुछ हासिल नहीं हुआ तो उसने अपने बेटे को भेजा। लिहाजा यीशु वही बेटा है और मालिक वो अजली व अबदी खुदा है जो कुल कायनात का खालिक व मालिक है। अब खुदा ने अपना बेटा दुनिया को बचाने के लिए भेजा जो दुनिया को बचाने के काम तलवार से नहीं बल्कि अपना लहू बहा कर करता है। अब खुदावन ने अपना बाग जो फिल हकीकत इसराइल है उसकी बागबानी का अख्तियार मसीहियों के स्पुर्द किया है जिसे हमें बखूबी निभाना है। आज ज़रा सोचिए, क्या आप खुदावन को अपना बादशाह मानते हैं? क्या यीशु को आप अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं? क्या उसके अहकाम की पैरवी करते हैं? इन सारे सवालों पर ध्यान और ज्ञान कीजिए और मेरी दुआ है कि आप आज बहुत बरकत पाएं। सलामत रहें।